बुद्ध तेरे कितने नाम। बुद्ध के पूरी दुनिया में हजारों नाम हैं, मगर सबसे जो प्रमुख नाम है वो बुद्ध है। बुद्ध जो नाम है एक उपाधि है जो कोई व्यक्ति सम्यक सम बोधि को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है। यानी सम्यक सम बोधि, सम्यक सम ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, पाली में इसको बोधि बोलते हैं। बोधि को जो सिद्ध कर लेता है, सिद्ध का मतलब है सफल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो बोधि और सिद्ध दोनों शब्द मिलके बुद्ध बनते हैं। ये एक उपाधि है, कोई भी मनुष्य दुनिया में इसको प्राप्त कर सकता है। मगर इसके अलावा जो बुद्ध के गुण हैं वो हजारों हैं, और उन हजारों गुणों में बुद्ध के नाम निहित हैं। यहाँ हम बारी बारी से बहुत सारे नाम आपको बताएंगे बुद्ध तेरे कितने नाम सीरीज में। जो आज नाम लेंगे वो लेंगे, क्योंकि उनका जो रेस थी, उनका जो कुल था वो शाक्य कुल था, इसलिए उनके दो नाम वहाँ से पड़े, एक पड़ा शाकीय मुनि और एक पड़ा शाकीय सिंह। ये शुद्ध पाली में नाम है। शाकीय का मतलब है जो उस वंश के रहने वाले, जिसको शाकीय वंश बोलते हैं। बाद में जब संस्कारित भाषा आई और संस्कारित भाषा में शय की जगह शय आया, तो इसको उन्होंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद में ये शाकीय से शाक्य बन गया, शाक्य, और सिंह से ये सिन्ह बन गया। बोला सिंह जाता है मगर लिखा सिन्ह जाता है, इसलिए शाकीय सिंह से शाक्य सिन्ह या शाक्य सिंह, और शाकीय मुनि से शाक्य मुनि, और इनको मुनिंद भी बोलते हैं। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला, यानी जो मनन करता है, जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, जो विपसना करता है, जो अपने मन को बार 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 देखता है। यानी मनन करने वाला का मतलब है मन को बार 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 देखना और उसे कंट्रोल करना, उसको मुनि बोलते हैं, जो विपसना मेडिटेशन साधना करता है। तो यहाँ जो शाकीय मुनि है, यानी उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल किया, उसका मनन किया, इसलिए वो शाकीय मुनि है। और सबसे ज़्यादा किया इसलिए इद्ध बोला जाता है, मुनिद्ध। मुनिद्ध इद्ध का मतलब है उस एक काम को करने वाले में सबसे अच्छा काम करने वाला। कहीं अगर बाद में इंद्र शब्द आ जाए तो इद्ध का मतलब है जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है वो सारे कामों में सबसे ऊपर करने वाला व्यक्ति इद्ध हो गया, यानी मुनिद्ध। बाद में संस्कृत भाषा में इसमें आधा रे जोड़कर इसको इंद्र किया गया, इद्ध को इंद्र किया गया। तो मुनिंद्र कहीं होता है, कहीं मुनिद्ध होता है। पाली में ये रे नहीं होता आधा, इसलिए ये इंद्र नहीं है, इद्ध है। ये जो शाकीय लोग हैं, जैसे साक जो बोलते हैं, साक सब्जी, यानी साक से शाक सब्जी बना हुआ है, तो साक शाकीय लोग सारे साग सब्जी उगाया करते थे, उसी को खाया करते थे। जो शाकपन होता है उसको शाकपन भी बोलते हैं, यानी कि सब्जी का पत्ता। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ वो लोग रहते थे, वैसे तो उसका नाम कपिलवस्तु बताया जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध थे, तथागत बुद्ध थे, भंगी बुद्ध थे, मगर इनका क्षेत्र बहुत बड़ा था। जो शाकीय जहाँ रहते थे, जो शाकीय क्षेत्र था, अब क्षेत्र तो बोला नहीं जाता था पाली में, खेत बोला जाता था, तो शाकीय खेत नाम की एक जगह थी जिसमें बाद में साक और खेत बना। साक और खेत को दोनों को जोड़ करके साखेत हुआ, साखेत। खेत पहले क्षेत्र नहीं था, ये ध्यान रखें, छह वर्ड ही नहीं था, तो साखेत हो गया, यानी जहाँ साक लोग रहते हैं वो क्षेत्र, वो जमीन, और साखेत ही बाद में साकेत बोला जाने लगा, क्योंकि इसको आसानी से बोलने में ये साकेत हुआ। साकेत वो सिटी है जो आज की डेट में लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर फैज़ाबाद में आती है, यानी जो फैज़ाबाद के नाम से जानी जाती है, वही साक क्षेत्र है। वो जितने भी शाकीय लोग हैं उन सबकी वो ज़मीन है, उन सबका मूल निवास, उन सबका खेत, उन सबका धम्म, उन सबके बुद्ध, वो वहीं उस क्षेत्र के फले फूले हैं और बड़े हुए हैं। नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। धन्यवाद।